यदि आपको भी बिना गैस जलाए 10 मिनट में मिठाई बनाना हो तो फटाफट इस वीडियो को देखें और बना लें। और यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। लड्डू बनाने के लिए मैंने लिया है सिका हुआ 100 ग्राम तिल, 1 कप भुना हुआ चना है और 1 कप भुनी हुई मूंगफली और 1.5 कप गुड़ ले रही हूँ। मिक्सी जार में मैंने मूंगफली डाली है, अब डाल देंगे थोड़े थोड़े गुड़, साथ साथ में गुड़ डाल के भी पीसेंगे तो गुड़ भी पीस जाएगा। 2-3 चम्मच गुड़ डाल के और पीस लेंगे। मैंने पीस लिया है गुड़ और मूंगफली को मिला के, तो ऐसा चिपचिपा हो जाना चाहिए। देखो ऐसे एकदम तेल छोड़ दे, इतना पीसना है। ये देखो गोल बन रहा है, ऐसे पीसना है। तो ऐसे सभी को इसी तरह से पीसना है, तिल को और चने को भी। इसी तरह से चना, भुना हुआ चना भी लेंगे और इसमें भी गुड़ डाल देंगे और पीस लेंगे। तो 3-4 चम्मच डाल देंगे। चने और गुड़ को भी मैंने पीस लिया और ऐसा बारीक करना है। और तिल को भी इसी तरह से पीस लेंगे, इसमें भी गुड़ डाल देंगे इस तरह से। तो तिल को भी मैंने पीस लिया है बारीक, तो ऐसा पीसना है। आधा छोटा चम्मच पीसी हुई इलायची है, इलायची का पाउडर। तो ये सब मैंने पीस लिया है और अब सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अब लड्डू बांधने के लिए इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे, तो थोड़ा थोड़ा डाल के देख लेंगे कि कितने में। तो मैं अभी 2 चम्मच डाल रही हूँ बड़ा, और मिक्स करके देख लूँगी बन रहा है कि नहीं। मैंने इसमें 6 बड़े चम्मच घी डाला है और अब ये लड्डू बनने शुरू हो गए हैं। ये देखो, तो अपन इस तरह से लड्डू बना लेंगे। इस तरह से दोनों हाथ को करके थोड़ा दबा के लड्डू बनाएंगे। मैंने लड्डू बना लिए हैं, देखो इतने अच्छे से बन गया है लड्डू। अब इसे प्लेट में रखते जाएंगे, इस तरह से सब बना लेंगे। यह लड्डू प्रोटीन और आयरन से भरपूर है, रोज ये खाओगे तो प्रोटीन की कमी पूरी होगी। यह लड्डू 10 दिन तक खराब नहीं होंगे क्योंकि इसमें अपन ने पानी बिल्कुल नहीं डाला है, और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी है। एक बार खाओगे तो बार बार खाने की इच्छा होगी, मेहमानों को भी बहुत पसंद आएंगे। तो अंदर से तोड़ के भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसा लग रहा है। देखो अच्छा लग रहा है ना, तो इस तरह से एक बार आप जरूर बना लें। तो बन गए हैं बिना गैस जलाए फर्स्ट क्लास मोस्टिक लड्डू। आप एक बार इस तरह से जरूर बनाएं।